अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू मुंबई में है किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बकरा स्पेशल बुने गोश्त की रेसिपी, जिसको हमने बनाया है बहुत ही इजी तरीके से, बट टेस्ट में भी इसका क्या कहना। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बुना गोश्त बना रहे हैं। हमने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल ज्यादा रहेगा तो गोश्त को भुनेंगे तो वो तेल में अच्छे से भून जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे। तेज पत्ता लिया है हमने, 4 तेज पत्ता ली हूँ, 1 चक्री फूल ली हूँ, 2 दालचीन ली हूँ, 1 जावित्री का टुकड़ा ली हूँ, 2 काली इलायची ली हूँ, 2 हरी इलायची ली हूँ, 2 लौंग ली हूँ और 6 मैंने काली मिर्च के टुकड़े ली हूँ। अब इसमें डालकर अच्छे से गरम मसाले को भून लेंगे हम। अब गरम मसाला अच्छे से भून गया है, खुशबू अच्छी आ रही है। अब मैंने 4 कांदे को इस तरीके से काट के ली हूँ, स्लाइसली मैंने काटा है। अब इसमें डाल दूंगी और गोल्डन ब्राउन करूंगी इसको अच्छे से। अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है कांदा। बकरे का गोश्त है आधा किलो, मैंने इसको अच्छे से धोकर ली हूँ। अब इसमें डाल दूंगी इसको 10 मिनट हम अच्छे से कांदे और तेल में अच्छे से भून कर लेंगे गोश्त को। अब अच्छे से मैंने 10 मिनट अच्छे से भून कर ली हूँ इसको गोश्त को। अब इसमें हम 4 टमाटर को इस तरीके से काट के डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे। टमाटर हमने डाल दिए भुनने के लिए। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून चिली का पेस्ट लिया है, जैसे 4 से 5 हरी मिर्ची को हमने पीस के लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अगर आपको कसूरी मेथी की खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पाउडर मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भून कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब सारे मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। अब सारे मसाले को अच्छे से हमने भून लिए हैं। आधे नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर, आधा ग्लास पानी डालेंगे हम। आधा ग्लास इसलिए डाल रहे हैं कि हम विसल लेंगे तो कभी मसाला नीचे जल ना जाए, इसके लिए सिर्फ आधा ग्लास हम पानी डाल देंगे इसके। अब इसमें सिर्फ आधा ग्लास पानी डाल दी हूँ। अब कुकर की लीड लगाकर इसको हम एक ही सीटी लेंगे, उसके बाद आपको बताएं। अब मैंने एक सीटी ली हूँ, अच्छे से विसल निकाल दी हूँ इसकी और इसको अब खोलकर देखेंगे। अब मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसको और हम भूनेंगे क्योंकि ये भुना गोश्त है तो इसको ज्यादा भूनेंगे हम। अब मैंने इसको एक बर्तन में निकाल दिया है कढ़ाई में। अब इसमें 1 टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनते रहेंगे क्योंकि ये भुना गोश्त है, इसको जितना भूनेंगे उतना टेस्ट ज्यादा आएगा। अब गोश्त अच्छे से हमने भून के लिया है, अब भुना गोश्त बनकर रेडी है। अब हम डिश आउट करके आपको बताते हैं। बकरा स्पेशल बुना गोश्त बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे याद रखो। अल्लाह हाफिज़।